हेलो दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैम सेकंड क्या लगा लीजिए, छोड़े ग्लिच। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज फिर से एक नई वीडियो के जरिए मेरे साथ में एक मैम है जो मेरी स्टूडेंट है, और जैसे कि हर एक लोग, हर एक व्यक्ति एक अच्छा ड्राइवर बनना चाहता है, और वो बड़े रास्ते पे ट्रैफिक में, गलियों में, हर एक रास्तों में कार को अच्छे तरीके से ड्राइव करना चाहता है, तभी वो एक अच्छा ड्राइवर कहलाएगा। तो जैसे कि आज हम अभी कार सिखा रहे हैं अपनी स्टूडेंट जो कि मैम है, और अभी हम लोग जा रहे हैं शहीद पथ। आप लोगों ने सुना होगा शहीद पथ एक रास्ता है लखनऊ में, जो कि गोमती नगर से ये एयरपोर्ट, लखनऊ एयरपोर्ट तक जाता है शहीद पथ, और फिर उसके आगे कानपुर रास्ता मिल जाता है, कानपुर रोड मिल जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग इसी रास्ते पे जा रहे हैं प्रैक्टिस कराने अपने स्टूडेंट को। उनको अच्छा कंट्रोल आ चुका है, अच्छा कॉन्फिडेंस आ चुका है, बस क्या है अभी प्रैक्टिस बचा है। तो प्रैक्टिस कैसे हमें करना होता है, राइट का सिग्नल लीजिए, गुड, या सर राइट यूटर्न लेकर के फिर टर्न करेंगे, ठीक है, स्पीड हल्का सा कम रखेगा। तो जैसे कि हर एक व्यक्ति, हर एक जन एक अच्छा ड्राइवर बनना चाहता है कि वो अच्छे से कार को ड्राइव कर ले, अच्छे से अपनी फैमिली को घुमा सके, या कहीं आ जा सके, अपना ऑफिस, अपना वर्क कर सके कार ड्राइव से जाते, कार को चला करके बड़े में मल करके स्पीड। तो वैसे ही आज हम आप सभी को बताऊंगा इस वीडियो में कि कैसे हमें कार को चलाना होता है, कैसे हमें कार ड्राइव करना होता है, किन किन रास्तों पे हमें कैसे चलाना होता है, ट्रैफिक बड़े रास्ते पे हमें किन किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कि अगर हम कार को चलाते हैं तो वहाँ पे हमें कार को चलाने में दिक्कतें ना हों, सामने वालों को भी दिक्कतें ना हों, ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले अगर आप सब ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रेड बटन दबा करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी ओपन कर लें, ताकि हर एक वीडियोस आप तक पहुंच सके मेरी। तो उससे पहले हम बात थोड़े में ब्रेक छोड़कर अपने से किया कर, लेकिन तीन दिन लगाना चाहिए ब्रेक। तो उससे पहले हम बात कर लेंगे अपने स्टूडेंट से जो कि मैम है मेरे साथ में, जानते हैं उनका क्या नाम है, वो कहाँ से ड्राइविंग सीखने आती है, आज उनका कौन सा डे ड्राइविंग सीखते हुए हो गया, कैसा कंट्रोल है, कैसा कॉन्फिडेंस है, उनके घर में कौन सिखा रहे हैं, और वो अभी कौन से डे में क्या क्या चीज़ें सीख सकती हैं, क्या उनको अभी नई चीज़ें बताई गई हैं। पहले बात कर लेते हैं। हेलो मैम, गुड इवनिंग। हेलो, कैसे हैं आप, क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम माला है। माला जी, आप कहाँ से ड्राइविंग सीखने आती हैं? कमता से आती हूँ, कमता चिनेट से। आप कमता चिनेट से ड्राइविंग सीखने आते हैं, गुड। आज आपका कौन सा डे ड्राइविंग सीखते हुए हो गए मेरे साथ? 10 डेज के आसपास हो गए हैं, गुड, ठीक है। अभी आपको क्या क्या चीज़ें सिखा दी गई हैं 10 डेज में? गुड, ठीक है। तो अभी आपके घर पे कौन सी कार है माला मैम? अभी मेरे घर पे i10 है। i10 कार है, गुड, ठीक है। तो आपको मेरा कांटेक्ट कहाँ से मिला? मैंने जस्ट गूगल पे सर्च किया, मतलब जो मेरे आसपास के एरिया में, मतलब जो भी ड्राइविंग वाले हैं वहाँ से, ठीक है, ठीक है। आपको 10 दिन ड्राइविंग सीखते हुए आपको सारी चीज़ें बता दी गई हैं, आज आपको मैं थोड़ा सा बैक करना बताऊंगा कि कैसे हमें बैक करके कार को चलाना होता है, सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। अब आपको बच्चा की प्रैक्टिस कराना है, आपके घर में i10 कार है, गुड, ठीक है। आज आप कौन सा रास्ते पर कार को चला रहे हो? अभी हम शहीद पथ पे जाकर आगे कान्हा स्टेडियम से हम टर्न करके आएंगे वापस, गुड, ठीक है। आपको फर्स्ट जैसे कौन से रास्ते पर चलवाया गया है कार को? मुझे मेरे घर से लेकर पॉलिटेक्निक तक मुझे कई बार चक्कर लगाया गया, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरा घर का रास्ता बहुत ख़राब है, मेनली हम लोग को वहीं से निकलता होता है, अगर वहाँ पर कॉन्फिडेंट आ गया तो फिर बाकी रोड्स तो अच्छे हैं, ठीक है। और जो दर्शक, जो फ्रेंड्स, जो मेरे सब्सक्राइबर वीडियोस देख रहे हैं आपकी, उनसे आप मेरे बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा सिखाया मुझे तो लगा था कि मैं नहीं चला पाऊँगी, लेकिन अच्छे सिखा रहे हैं। अगर आपको भी सीखना है या आपके किसी भी रिलेटिव को सीखना है तो जरूर आप इनसे कॉन्टेक्ट करें, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने अभी बात किया मेरे स्टूडेंट से, जो कि माला जी हैं, अभी ड्राइविंग कर रहे हैं, तो आज 10 डेज हो गया, अच्छा कंट्रोल है, अच्छा कॉन्फिडेंस है, बट क्या होता है कि प्रैक्टिस जितना आप करोगे उतना ही आपको चीज़ें चलाने में आएंगी, उतनी चीज़ें आपको समझ में आएंगी क्या गलत कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो। आप अगर कोई चलते हुए रास्ते पर कार को सीख रहे हो, चला रहे हो, तो वहाँ पर थोड़ा सा आप स्लो चलाना होगा, बट कई लोग होते हैं कि
खाली रास्ते पर कार सीखते हैं, खाली रास्ते पर कार को चलाते हैं, तो वहाँ पे आपको चीज़ें गलत और सही चीज़ें आपको नहीं पता लगेंगी। और अगर आप थोड़ा सा चलते हुए रास्ते पर कार को चलाते हैं तो वहाँ पर क्या गलत है, क्या चीज़ें सही हैं, तो वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें बताऊँगी। अब मैं आपको बताऊँगी कि कैसे हम लोग बड़े रास्ते पर कार को ड्राइव करते हैं, किस रास्ते पर कार को चलाते हैं, किस साइड में कार को चलाते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अब एक्सीलेटर छोड़ो मैं प्लेस लगाओ और थर्ड गियर लगाओ, सीधा आगे करना आपको, सीधा आगे गर्ड छोड़ो मैं प्लेस, ये आपका थर्ड गियर है क्योंकि आपकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा थी, ठीक है, और आप कार को चला रहे थे सेकंड गियर पे, है ना, तो इसलिए आपने थर्ड गियर लगा लिया। अब थर्ड गियर लगा लिया, अब आप थोड़ा सा स्पीड को बढ़ा सकते हो, मतलब कि 40 करीब आप रख सकते हो मीटर पे देखते हुए, है ना, गुड। अब जब भी कभी हम बड़े रास्ते में कार को चलाते हैं, कार को ड्राइव करते हैं, तो वहाँ पे हमें अगर हमारी जो स्पीड है वो 50 या 40 माइनस है तो हम लोग लेफ्ट में ही चलाते हैं कार को, और जो 50-40 प्लस होते हैं वो लोग राइट से जाते हैं, ठीक है। कभी भी कार को चलाते वक्त हमारी एक आंख सामने होनी चाहिए, एक आंख राइट और लेफ्ट मिरर में होनी चाहिए, पीछे का आप देख सको सही तरीके से कि कौन सा वाहन आपको हॉर्न दे रहा, वो किस साइड से आपको ओवरटेक करना चाह रहा, तो उसको उस साइड में आपको जगह को जगह देना होगा, तभी वो निकल पाएगा आपके बगल से, ठीक है। बट हल्का से भी अगर आप बड़े रास्ते पर कोई भी कार को चलाते हो, अगर हल्का से भी अगर आपको हल्का सा भी राइट और लेफ्ट टर्न करना होता तो उससे पहले हमें राइट या लेफ्ट मिरर में देख करके फिर टर्न करते हैं। कभी भी बिना साइड को देखे हुए आपको कार की स्टीयरिंग को नहीं टर्न करना होता है, बट आपको हल्का सा लेफ्ट में रखना है, व्हाइट पट्टी जो है उसका फॉलो करो, है ना, चलेगा लेफ्ट में रखना, ज़्यादा राइट मत जाओ, ज़्यादा बढ़ाओ स्पीड, गुड। कभी भी हम बड़े रास्ते पर अगर कार को चलाते हैं तो हमें स्टीयरिंग को टर्न करने से पहले मिरर में देख करके फिर टर्न करते हैं, बढ़िया लगा स्पीड गुड। अगर हम छोटे या बड़े रास्ते पर कार को चलाते हैं, अगर हमारे सामने से कोई वाहन है, अगर उसको हमें ओवरटेक करना है, ओवरटेक करते वक्त हमें जब भी कभी हम ओवरटेक करेंगे तो उसको ओवरटेक करते वक्त हमें उसको हॉर्न दे करके तभी ओवरटेक करना होता है, बढ़िया लगा था स्पीड गुड गुड, जैसे कि आप अभी थर्ड गियर पे चला रहे हो, थर्ड गियर की जो स्पीड है वो 40 करीब होनी चाहिए आपकी स्पीड, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 30 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उसी के बीच में आपके थर्ड गियर पे स्पीड आपकी रहनी चाहिए ज़्यादा रेसी स्टेट पर। अभी आप थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड में चलाते हो कार तो आपको क्या फील होता है, क्या लगता है आपको, आपको डर लगता है नहीं लगता मैम? अच्छा, आपको ये लगता है कि जैसे कि अगर आप स्पीड में कार को चला रहे हो और सामने से अचानक से कोई आ गया तो आप कार को कंट्रोल कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा वहाँ पे कि अगर सामने से आपके कोई आ गया तो हमें कैसे कंट्रोल करना है, हमें धीरे से पूरा क्लच दबा के धीरे से ब्रेक लगाना होगा, और उससे पहले हम लोग बैक मिरर में देख लेंगे, बैक मिरर में देखने से ये पता होगा कि हमारे पीछे भी कौन है, आपने एकदम से ब्रेक मार दिया, पीछे वाला स्पीड में आ रहा वो आपकी कार में पीछे से टकरा दिया, आपको उसको भी ध्यान देना होगा, उसको भी देखना होगा, ठीक है। और जब भी कभी कार को खड़ी करेंगे, कार को खड़ी करने के बाद अगर स्टार्ट करते हैं तो हम लोग फर्स्ट गियर में कार को स्टार्ट करेंगे,
आगे से हम लोग सेकंड टर्निंग से हम लोग लेफ्ट टर्न कर लेंगे, सर्विस रोड पे कार को ले लेंगे। अगर बड़े रास्ते पे आपको कभी भी कार को हल्का सा भी राइट लेफ्ट टर्न करना हो तो आपको एक चीज़ और ध्यान देना होता कि आप सिग्नल दे करके फिर कार को घुमाएं। ये वाइट होता है, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, सेकंड टर्न, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड से पढ़ाई लगेगा स्कूल में। आपके लेफ्ट आइए मैम, और लेफ्ट आइए मैम, बस आप ब्रेक पे रखो और क्लच दबा के मैम सेकंड के लगा लो, है ना मैम। और पीछे करो गियर को, बस ज़्यादा ब्रेक मत लगाओ, ब्रेक सिर्फ उतना लगाना था जितना स्लो करना था, बस गियर चेंज करने के लिए, है ना। पढ़ाई हल्का का और बढ़ेगा मैम, स्पीड ऑफ रही। और अब आप सुबह मॉर्निंग में अपनी कार से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए, गुड, किसी के साथ में बैठ करके, गुड। शाम में ट्रैफिक में आप यहाँ पर सीखो और सुबह खाली रास्ते पे आप घर में प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए, गुड। पढ़े हल्के स्कूल में सिग्नल ऑफ कर देना मैम, ठीक है। यहाँ पे सिग्नल आपका बंद नहीं हुआ होगा अपने आप, क्योंकि आपने टर्निंग पूरी स्टिंग नहीं हुई थी ना, यहाँ पे हल्का टर्निंग हुआ था, हल्का स्टिंग घुमा था, तो इसलिए आपका सिग्नल वहाँ पे नहीं बनता। गुड, स्पीड कम रखना, लेकिन सामने से भी लोग रॉन्ग आ रहे हैं तो आपको राइट का जगह छोड़ के रहना होगा। चलो बड़ा बोल देगा स्पीड, गुड, हम बड़ा लो देता और बड़ा लो देता मैम, और बड़ा लो, गुड। सामने देखा अच्छे, यहाँ पे सामने से रॉन्ग भी लोग आते हैं, यहाँ पे भी आपको देखना होगा। स्पीड कम ही रखना, लेफ्ट से नजर है मैम ऊपर। यहाँ पे हम लोग आएंगे खाली रास्ता, यहाँ पे हम लोग रिवर्स करना थोड़ा सा सीखेंगे, फिर तो उसके बाद निकलेंगे हम लोग यहाँ से। ब्रेक पर रख लेना मैम, थोड़ा स्पीड कम करना है, तो टर्निंग भी है और स्पीड ब्रेकर भी है, तो आपको उतना स्लो करना है जितना कि आपको ज़रूरत है, ज़्यादा स्लो भी नहीं करना कि आपकी कार खड़ी हो जाए। वैसे लेफ्ट आइए, हाँ, ब्रेक पर पैर रख करके घुमाइए घुमाइए घुमाइए, ज़्यादा ब्रेक लगाओगे तो आपकी कार खड़ी हो जाएगी, गुड। सीधा करो वापस दौड़ के और जाइए, बड़े याद करें उस पर करूँ, बस यहाँ पे खड़ी करो पूरा क्लच से ब्रेक, गुड। गियर को न्यूट्रल करो मैम, गुड। अब रिवर्स गियर लगाओ, कैसे रिवर्स गियर लगाओगे, राइट खींचो पूरा, पूरा राइट खींचो गियर को और पीछे करो, गुड, लग गया रिवर्स गियर। अब आपको हल्का हल्का क्लच छोड़ना है, ब्रेक पे पैर रखे रहना, बस ब्रेक आपका दबा नहीं होना चाहिए, ठीक है, छोड़ो हल्का क्लच, आपको देखना है पीछे, गुड। हल्का राइट रखो, हल्का राइट रखो, स्टीयरिंग राइट रखो, और राइट रखो, और राइट रखो, बस वापस सीधा करो मेरे साइड, बस सीधा हो गया, बस पूरा क्लच धीरे से ब्रेक लगाओ, गुड। ये कार खड़ी हो गई, फिर से गियर को न्यूट्रल करो मैम, फिर से रिवर्स गियर लगाओ, ये रिवर्स गियर होगा। अब आपको कभी भी ये अभी फंसा होगा मैम गियर, आपको सही से क्लियर करो, हाँ। अब आपको जब भी कभी बैक करना होगा वहाँ पे रास्ता देखना होगा कि आपका रास्ता पीछे का कैसा है, यहाँ पे अभी तो बड़ा रास्ता है, रास्ता पूरा खाली पड़ा है, तो आप बैक कर ले रहे हो। अब राइट टर्न करो, फुल स्टीयरिंग राइट टर्न करो, फुल टर्न कर दो मैम, फुल टर्न कर दो, राइट टर्न करोगे स्टीयरिंग, रिवर्स गियर करते करते तो आपकी जो आगे का जो फेस है वो लेफ्ट घूमता जाएगा, है ना, देखो लेफ्ट घूम रहा है ना, इधर जब लास्ट पीछे का दीवार होगा वहाँ पे रोक देना डिवाइडर, पूरा क्लच धीरे से ब्रेक, बट आप गियर को पहले न्यूट्रल करो धीरे से मैम, फर्स्ट के लगाइए मैम, ये आपने सेकंड के लगा दिया, भूल गए हो क्या मैम, ये थर्ड गियर आपने लगा दिया मैम, गुड। लेफ्ट टर्न करो मैम, स्टीयरिंग को फुल टर्न करो मैम, फुल टर्न करो दौड़ के, हाँ छोड़ो, अब गियर उतना ही करते हैं मैम जितना न्यूट्रल करते हैं, आपके घर तो एक्स्ट्रा लगा देते हो मैम, है ना। खड़ी करो कार, पूरा क्लच धीरे से ब्रेक लगाओ, और सीधा करो मैम स्टीयरिंग को, और सीधा करो, एक बार और घुमाओ मैम राइट, और घुमाओ मैम राइट एक बार,
और घुमाऊँ बस। अब देखो गियर इधर देखो एक बार समझो, पहले गियर ऐसे न्यूट्रल करता, आप क्या करते हो कि पूरा पीछे कर देते हो मैम, है ना, राइट खींचा और पीछे कर दिया, रिवर्स गियर लगा, छोड़ो मैम हल्का क्लच, देते रहो गुड, पूरा क्लच दे से ब्रेक गुड, गियर न्यूट्रल कर दिया मैम गुड, बहुत बढ़िया, फिर से फर्स्ट ये लगाइए, चलो सीधे इसके जाना है गुड, बढ़िया लगा स्पीड।